हद होती है किसी बात की। सारे घर में उधम मचा के रखा हुआ है, निजाम बदल के रख दिया है घर का, और वो मासी, उस मासी को हर वक्त अपने कामों में मसरूफ रखती है। हमारे काम के लिए तो फुर्सत ही नहीं है उसके पास। आपको खतरे की घंटी सुनाई नहीं दे रही या फिर आप जानबूझ के अनजान बने हुए? 7 साल कम अरसा नहीं होता शादी का जो वो घर छोड़कर आकर यहां बैठ गई है। जिस तरह आनन फानन शादी हुई थी ना, क्या आनन फानन तलाक नहीं भेज सकता वो? और किस चीज की कमी है इसे? 1 बजे सोकर उठती है, योगा वोगा करती है, फिर मासी को अपनी खिदमतों में घनचक्कर बना के रखती है। मेरे नाक में दम कर दिया है, कह कुछ सकते नहीं क्योंकि घर छोड़कर आई भी है। ऐसा कब तक चलता रहेगा बताएं मुझे, कब तक चलता रहेगा? क्या सोचा है आपने? ये उसका घर है। घर मेरा भी है, सारी जिंदगी से मैं उसके नखरे उठा रही हूँ। क्या उसको बिठाकर खिलाने का इरादा है आपका? तो क्या ना खिलाऊं? इतनी कम तो पेंशन मिलती है आपको, ऊपर से मैडम के नखरे, सारा किचन उलट पुलट करके रख दिया है। हेल्दी खाने बनाए जा रहे हैं, मेरी किचन की पुरानी चीजें उठाकर फेंक दी गई हैं। ये कैसी दादागिरी है? अगर इतना ही राज करने का शौक है तो अपने घर में जाकर करे ना। यही उसका घर है, और ये बात अच्छी तरह आप समझ लें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं खुला दिलवाकर उसे अपने पास रख लूंगा। रख लिया आपने, जैसे बहुत आपके काबू में है। कुछ काट कबाड़ मैंने बाहर रखा है, देख लीजिएगा, अगर आपको उसमें से कुछ चाहिए नहीं तो मैं फेंक दूं सब। कोमल, तुम ये सामान नहीं फेंक सकती। तुम क्या समझ रही हो? ये जो तुम कर रही हो इससे तुम्हारा वक्त कट जाएगा? नहीं, ये तुम गलत कर रही हो। जिन हालात में तुम घर छोड़कर आई हो ना, वो हालात अच्छे नहीं है। उमर अगर दूसरी वाली ले आया और तुम्हें छोड़ दिया तो? इस वक्त तुम्हें अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए थी। तुम अकलमंद हो लेकिन मैं बड़ी हूं तुमसे। पर आप तो मुझे इस घर से भगाना चाहती हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अपने शोहर को कैसे संभालें मैं आपसे बेहतर जानती हूँ। डरता है मुझसे, उंगलियों पर नाचता है मेरे। एक खेल खेल लिया उसने, दोबारा नहीं करेगा। फिलजा के होते हुए ऐसा कुछ नहीं कर सकता। फिलजा पहले भी थी। पहले तो मैं भी थी, लेकिन तब की कोमल और आज की कोमल में जमीन आसमान का फर्क है। जब तक वो उसे तलाक नहीं देगा मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। अगर मैं वहां चली गई मुझे कमजोर समझेगा वो। तुम कमजोर हो। मैं कमजोर नहीं हूँ। अपने घर को कैसे संभालना है मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ।